नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका फिर से एक बार स्वागत है टू रुपयर में। मैं हूँ मौसम दास। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रेडमी नोट 6 प्रो का फोल्डर रिप्लेसमेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे हाथ में देख सकते हो, यह है रेडमी नोट 6 प्रो। तो आप देख सकते हैं इसका ऊपर का ग्लास जो टूटा हुआ है, डिस्प्ले भी टूटा है, हाँ ऊपर वाला। तो अभी हम इसको रिप्लेस करके आपको बताएंगे क्यों टूटा हुआ है, फिर भी ये काम कर रहा है अभी। तो ये देखिए, इस मेरा नया फोल्डर है अभी जो मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, रेडमी नोट 6 प्रो। तो पहले आप सिम ट्रे खोल ले, मैंने पहले से खोल के रखा है। और ये देखिए, इसको धीरे से ही खोलना, सेंसर पत्ता है जो टूट सकता है, तो धीरे धीरे से खोलिए। हाँ, यहाँ पे है एक सेंसर पत्ता, तो आप धीरे से इसको निकाल लीजिए। देखिए कितना आसानी से निकल गया अभी। तो अभी हम इसका पूरा स्क्रू खोलेंगे, नहीं तो बैटरी कनेक्टर रिमूव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अभी हम बैटरी रिमूव करेंगे। पहले तो आपके पास ये होना चाहिए, ये टेम्पर के साथ आता है, ठीक है। जो साइड में थोड़ा सा आपको इसको इन कर लीजिए, और ये 530 का एक लिक्विड आता है, उसको ऊपर से, बैटरी के ऊपर मत मारना, स्प्रे मत करना उस बैटरी के ऊपर। आप जो ओपनर है उसके ऊपर ही लगाइए थोड़ा सा, तो अंदर चला जाएगा वो लिक्विड। इससे क्या होगा, जो गम है बैटरी का नीचे का, तो अपने आप खुल जाएगा। आप इसे ट्वीज़र या जो स्टील का ओपनर आता है उससे मत खोलिए, तो बैटरी डैमेज हो सकता है, इसलिए हम ये पतला सा कार्डबोर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, मैं ऊपर से ही स्प्रे कर रहा हूँ, बैटरी के ऊपर मत करना स्प्रे। तो देखिए, ये आसानी से खुल गया है। अभी हम फोल्डर के कनेक्टर को खोलेंगे। तो दोस्तों, खुलते खुलते आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का दबा के ऑल कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो देखिए, अभी खुल गया है अभी। तो इसका जो एयरपीस के ऊपर जो कवर होता है, तो हम वो खोल लेंगे, क्योंकि ये नया नहीं आता फोल्डर के साथ, तो पुराने वाला से हम रिप्लेस करेंगे इसको। अभी इसे अच्छे से आप साफ कर लीजिए। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप पूरा देखिए, पूरा नहीं देखेंगे तो आप पूरा जान नहीं पाएंगे, मैं क्योंकि मैं ये डिटेल में बता रहा हूँ। तो अभी हम नया वाला चेक कर लेंगे थोड़ा सा। तो देखिए, अभी ऑन हो गया, अभी चेक कर लेते हैं। देखिए, ये पूरा काम कर रहा है अभी।
वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता इस फोल्डर में, नए फोल्डर में जो अच्छा वाला हमारे पास है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो देखिए अच्छे से काम कर रहा है। दोस्तों मैं आगे और भी वीडियो डालने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपके लिए पहले ही बहुत सारा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। अभी बंद है तो मैं एक एक करके आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं इसको। तो लीजिए अभी ये चेक हो चुका है, तो अभी हम इसको गोमिंग करेंगे और फिर फोल्डर को लगा देंगे। एकदम इजी है दोस्तों, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप एक बार में ही समझ जाओगे। तो अब अच्छे से साइड में गम लगा लीजिए, कैमरा और सेंसर के जो ईयरपीस के जगह है तो वहाँ कम ही लगाइए, ना लगाए तो अच्छा ही है। ये देखिए मैं एकदम से कम लगा रहा हूँ उस साइड में। चलिए अभी ये लग चुका है तो थोड़ा सूखने देंगे इसको, 4 से 5 सेकंड सूख जाएगा ये। और पहले तो हम जो फोल्डर के जो एयरपीस है उसके ऊपर जो कवर होता है उसको साफ करके लगा देंगे नए वाले में, और फोल्डर के स्टिकर को खोल लेंगे। तो अभी इसको लगाते हैं। धीरे से पत्ता को इन करके आप पहला तो उसको ऊपर के साइड से बिठाए, ये देखिए तो ये भी लग चुका है। ज़्यादा जोर से प्रेस मत कीजिए, और ये जो पत्ता है इसको धीरे से सही से लगा दीजिए। तो जो इसका पुराना गम है उसके ऊपर मैं 2 टेप लगा दूंगा, जो पुराना वाला गम जो उसका थोड़ा आटा कम हो गया है गम। तो आप उसके ऊपर जो लिक्विड गम आता है वो मत लगाइएगा, ये टेप जो आता है डबल टेप यही लगाइए। लिक्विड गम लगाने से क्या होगा, दोबारा जब आप खोलेंगे तो ये बैटरी डैमेज हो सकता है, इसलिए मैं ये टेप यूज़ करता हूँ हमेशा, इससे बैटरी पर कोई नुकसान नहीं होता। ये गम थोड़ा इतना हार्ड भी नहीं होता डबल टेप जो है। तो देखिए कितनी सुंदर से ये बैठ चुका है। तो अभी हम जो बैटरी के ऊपर जो ढक्कन होता है उसको, उसे हमने खोला था पहले, तो उसको लगा देंगे सही से, इसको लगाना ज़रूरी है। बैक पैनल को आप अच्छे से थोड़ा साफ कर लीजिए, कुछ कचरा अगर रह जाए तो दिक्कत आ सकती है। तो पहले तो आप जो सेंसर पत्ता है फिंगरप्रिंट सेंसर उसको कनेक्टर को बिठा लीजिए अच्छे से। हाथों से बिठा दीजिए उसको धीरे धीरे करके। इसके ऊपर जो ढक्कन होता है
उसके ऊपर भी एक कवर होता है, तो उसे भी आप लगा दीजिए। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम इसको फिट कर देंगे। धीरे धीरे करके बोथ साइड, हर साइड में आपको राउंड राउंड करके इसको जो अच्छे से बिठाइए कवर को। ज़्यादा प्रेस करेंगे तो दोस्तों लेंस ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए धीरे धीरे से कीजिए। और इसके सिमकंड को अभी लगा दूंगा मैं। दोस्तों अगर आपको नॉइज़ आ रहा है थोड़ा साइड से, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आपके पास ये रबर होना चाहिए, जो रबर आता है बाज़ार में नॉर्मल, ये आप लगा दीजिए 3 या 4 लगा दीजिए, 3 राउंड करके, ज़्यादा मत टाइट कीजिए। ये देखिए मैंने 1, 2, 3 राउंड लगाया अभी। तो दोस्तों मैं पूरा रबर लगा चुका हूँ अभी, तो एक बार मैं आपको फिर से चेक करके दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए अभी पूरा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरह से पूरी आसानी से लगा सकते हैं, कोई कोई भी लगा सकते हो, एकदम इजी है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो ही खत्म होता है, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल कीजिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।